हाय हेलो नमस्कार कैम चौक कैसे गाई गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे और पहले से बेहतर होंगे। फिर से एक नई वीडियो की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं उज्जैन। मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे, आप देख रहे हैं भोपाल रेलवे स्टेशन। और अभी कुछ हरामी दोस्तों का वेट हो रहा है। राहुल चौहान भाई हमारे आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे। अमन भाई भी आ रहे हैं मिलने के लिए। अभी देखो आधे घंटे से तो वो आ रहे हैं, 10 मिनट का हमारे पास टाइम है। अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आज हम लोग उज्जैन चल रहे हैं। बाबा के दर्शन आपको कराएंगे, उज्जैन नगरी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं और कर लेते हैं फिर आज की वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर और अमन भाई फाइनली हमारे पास नहीं पहुंच पाए क्योंकि ट्रैफिक भी था। और आपको पता है कि उनकी हरकतें कैसी हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मगर फाइनली राहुल भाई आ गए हैं, राहुल भाई आगे चल रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। ट्रेन हमारी खड़ी है, इंदौर उज्जैन एक्सप्रेस, ठीक है, भोपाल इंदौर एक्सप्रेस सॉरी, जो कि 11 बजे है। अगर आपको कभी भी उज्जैन जाना हो तो आप रात में 11 बजे ट्रेन मिलती है और रात में अभी आपको 2:30 बजे पहुँचा देगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पहुँच जाते हैं इससे, बहुत कम्फर्टेबल गाड़ी है। और यूजली हम लोग हमेशा यही गाड़ी यूज़ करते हैं जाने के लिए, ठीक है गाइस। सो फटाफट चलते हैं अंदर, बैठते हैं, लाइट की थोड़ी कमी है तो चल लेते हैं, पहले बैठेंगे फिर आगे करेंगे। गाइस ट्रेन चालू हो चुकी है और अभी सफ़र स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी फोटो वोटो ले ली है राहुल भाई के साथ। राहुल भाई कुछ हो जाए, राहुल भाई से कुछ बात नहीं हुई। राहुल भाई अपने बारे में बताओ कुछ, भोपाल के बारे में। भाई बहुत सारा है, उज्जैन घूमने भी आ रहे हैं। थोड़ा लाउडली राहुल भाई, माता के दर्शन करने जा रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली राहुल भाई 7-8 साल पहले तकरीबन गए थे, जैसे मुझे बताया, वो भी किसी के साथ गए थे, मैं बता नहीं सकता ओपनली, ठीक है। और अभी फाइनली मेरा कोई प्लान नहीं था, राहुल का कोई प्लान नहीं था जाने का। सडनली मैंने कॉल किया राहुल को टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि हम कुछ 4-5 लोग हैं, जब भी टिकट बुक करना होती सबसे पहले राहुल को फ़ोन आता है, ठीक है। तो फाइनली फ़ोन किया, भाई उज्जैन जाना है, टिकट बुक कर दो। तो भाई ने बोला भाई ये भी चलता हूँ, चलो भाई बैलेंस गुड भाई, 1 से 2 सही। सिया का फैमिली का थोड़ा आने का मन था बट हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया स्लीपर में, देन हम लोग फिर अभी दोनों भाई जा रहे हैं साथ में। सो बैचलर लाइफ भी है भाई, थोड़ा जी लेते हैं, चलते और फटाफट इन्जॉय करते हैं, देखते और आगे का सफर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, पहुँच चुके हैं हम लोग उज्जैन नगरी, महाकाल बाबा की नगरी हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। और टाइम हो रहा है अभी 2:30 बज रहा है। राहुल भाई और मुझको बहुत ही नींद आ रही थी, तो भाई अभी तो क्या नींद ठीक है, अब उतर गए, फटाफट चलते हैं और नहाते हैं, फिर करेंगे बाबा के दर्शन। चलते चलते आपको दिखाते हैं उज्जैन के लिए, बोलो जय महाकाल। जिंदगी है इंडिया, फर्स्ट सबसे पहले कंट्री, उसके बाद सब कुछ। पहुँच चुके हैं बाबा की नगरी में, झंडा का लहरा रहा है, ऐसा ही लहराता रहेगा। सभी देशवासियों को जय हिंद और सभी लोगों को जय महाकाल। चलो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखेंगे जो है वो समा है। गाइस अभी राहुल भाई हमारे पहुंच रहे हैं, जिंदगी ऐसी जी राहुल भाई पहुँच गए उज्जैन को, मेरा पहुँच गए भाई। सुबह सुबह आने के बाद में मतलब हमारा हमेशा का है बाहर, मतलब यहाँ पे उज्जैन उतरे हम लोग स्टेशन पे, देन बाहर निकले सबसे पहले नाश्ता खाना खा के पाए हो चाहिए, मगर यहाँ का पोहा जलेबी तो बहुत जलेबी है। फटाफट नाश्ता करते हैं, ऑटो लेते हैं, रामगढ़ चलेंगे, डायरेक्ट मुलाकात करेंगे अभी रामगढ़ पे और चलते हुए ऑटो की जर्नी। खा ले यार भाई फटाफट, और क्या, अभी आप आओगे तो फिर आपको भी खिलाएंगे। तुम लोग देख रहे हो ना बेटा, बोला था आ जाओ साथ में। देखा राहुल भाई, बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं इसको, आ जाओ भाई।
बहकी सभी जुबा है हम है। तो गाइस निकल चुके हम लोग रामघाट के लिए। आप स्टेशन पे उतरिए, जैसा दिखाया चाय नाश्ता कीजिए। अगर आप अकेले हैं तो मैजिक से जाइए 20 रुपये सवारी, और दो लोग हो तो बढ़िया ऑटो से जाओ 50 रुपये देते हुए। एक नंबर पहुँचेंगे सीढ़ियों के पास डायरेक्टली, तो वहीं से सीधे स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। अभी बज रहा है 3 चाय नाश्ता करने के बाद। और ऑल भाई मज़ा आ रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है एक नंबर भाई। बाबा के दरबार में मज़ा नहीं आएगा, काम आ जाएगा भाई। रामघाट पहुँचने के बाद में जैसे आप रामघाट पहुँच जाओगे, वहाँ से सीढ़ियों से बढ़िया नीचे आओ। नीचे आते टाइम पे ये देखिए अपने प्रजापति समाज का ऊपर धर्मशाला है, ठीक है। अगर आप रुकना चाहते हो तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है, अगर आप फैमिली के साथ में हो तो 300 रुपये पर रूम के हिसाब से लेता है। अगर आप रूम लेना चाहते हो 12 घंटे के लिए, 4-5 लोग सफिशेंट है। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि कभी भी अगर आप आते हो और आप जल्दी अगर आ जाओ यहाँ पे, सर लड़कों के साथ में ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं, बट फैमिली के साथ हो तो ऊपर रुकने की व्यवस्था है, नाना फ्रेश वगैरह सब आप हो सकते हो, ठीक है। सो एक अच्छा ऑप्शन था जो हमको आज दिखा और आज मैंने फर्स्ट टाइम पता किया, ठीक है। तो जब भी आओगे तो देख सकते हो। बाकी अब आ गए हैं बाबा, बाबा की नगरी में फटाफट नहा लेते हैं राहुल भाई हम लोग, और फिर निकलते हैं। राहुल भाई तैयारी में, बहकी सभी जुबा है हम है हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रब। दोस्तों स्नान करके हो चुका है, राहुल भाई भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और समय हो रहा है 3:30, यानी कि आधा घंटा है हमारे पास लाइन में लगने के लिए। क्योंकि जल्दी जाने में लगेंगे तो जल्दी बाबा के दर्शन होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा स्नान तो हो चुका है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट काफ़ी तेज़ी से है। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे स्थान पर। भैया स्नान करने के बाद में राहुल भाई हम लोग चल रहे हैं पैदल पैदल, थोड़ी सी थकावट है भाई दोनों भाइयों को, नींद का थोड़ा सा था तो जो नहाने का ख़त्म हो गया, फिर भी यार थकावट तो ही जाती है। सो जैसे आप नहा लेंगे वहाँ से आपको निकलना है, 10 से 15 मिनट लगेगा पैदल चलते हुए, ठीक है। सीढ़ियों से ऊपर आना है डायरेक्ट, और वहाँ से राइट लेना है आपको, और आप सीधे मंदिर के रास्ते पर पहुँच जाएंगे। तो बस वहाँ से सीधे सीधे जाएंगे और 10 मिनट पर आपको मंदिर मिल जाएगा। चलते चलते गाइस हम तो थक रहे हैं थोड़ा, पैदल चलने की हैबिट थोड़ी कम है, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों को थोड़ा सा वैसे कोई दिक्कत नहीं यार, चलते फिरते रहते इतना तो चलता है, उम्र में थोड़ा हाँ रहा हूँ, सुबह का टाइम में थोड़ा थक गए हो ना। चलो कोई सब जगह मंदिर पे मिलते हैं अपन, ठीक है। चलो भाई आएगी नौकरानी बना देगी और आप इसमें जाएंगे झाड़ू मारेंगे। श्री महाकाल दोस्तों, जो हमेशा का जो लाइन का सिस्टम रहता है, यानी हम लोग स्नान करने के बाद में 4:30 बजे तक लाइन लग जाती है। सो अभी वो सिस्टम थोड़ा ख़त्म हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारा आप देख रहे होंगे कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, पीछे बहुत बड़े बड़े बिल्डर काम कर रही हैं, तो शायद मेरे कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। बट मंदिर को और डेवलप किया जा रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ों को चेंज किया गया है। सो जब भी अभी अगर अभी आप आते हैं कुछ दिनों में कुछ महीनों में, तो शायद ये दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के आएँ, क्योंकि सुबह 6 बजे ही अंदर जाने दिया जाएगा, उसके लिए पहले से लाइन लग रही है। सो हम लोग इतनी जल्दी आ गए थे, और वो जो भी सब कुछ प्लान था वो बेसिकली फाइनली नहीं हो पाया,
बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी आप जब भी आएंगे तो ये थोड़ा सा पता करके आइए। और भस्म आरती यार मैं कई बार सोच चुका हूँ भस्म आरती कैसे क्या है पता है, प्रोसीजर सब पता है, बट डेफिनेटली बाबा चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम भस्म आरती में ही हम लोग मिलेंगे। सो अभी लाइन में खड़े होते हैं, जयकारे वगैरह लगाते हैं और फिर चलेंगे अंदर। सो जय जय महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस रैली हो गई है चालू, ये चल रही है अभी महाकाल का नाम लेके चलते चल रहे हैं। जैसे अंदर पहुँचेंगे पता चल जाएगा। हर भाई हर हर महादेव भाई। जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी, जीत अब चाहे जिंदगी है। महाकाल आधी नींद पूरी हो चुकी है, 4 बजे से लाइन में खड़े हुए थे, 4:45 बज चुके हैं, 15 मिनट और बाकी है और मेरे हिसाब से लाइन आप देख सकते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि लाइन कहाँ तक जा रही है, मगर जहाँ तक भी आपको दिख रही है वहाँ तक लाइन जा रही है। अभी जैसे अंदर पूछेंगे फिर दर्शन करेंगे, तो जाने का प्लान क्या है, जल्दी निकले तो फिर ट्रेन से नहीं तो फिर बोल बोल से जाएंगे, तो दर्शन हो जाए यार बहुत, मगर नींद पूरी हो गई है। ठीक है चल लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। ज़्यादा देर लाइन में खड़े रहने के बाद में क्या क्या हालत होता है ना अभी आपको दिखाते थे। आदमी ने खुद पे फूल चढ़ा ली है। था लंबे लाइन में लगे रहने का नतीजा, इसलिए जब भी घर से निकले एक नींद पूरी करके निकले। हाँ भाई सही बात है, नहा लो फ्रेश हो जाओ उसके बाद फिर चलो, जो हमारी एक नींद पूरी हो गई है। बैठे बैठे बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब महाकाल दोस्तों, बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके हैं, अंदर से गुफा मंदिर के अंदर से नहीं हुए, बाहर से दर्शन हुए, बड़े अच्छे दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया, दिल प्रसन्न हो गया। बाबा महाकाल सब पे ऐसी कृपा बनाए रखें, सभी पे जो वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मुझ पे भी, राहुल भाई पे भी, हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखें। बस यही बाबा से प्रार्थना है। ठीक है और अभी मंदिर प्रांगण में ऊपर हैं आप जो देख पा रहे हैं यहाँ का नज़ारा, तो यहाँ पे अभी थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। जो हमारा मेन काम था बाबा के दर्शन वो तो हो चुका है, सो फिर से एक बार बोलेंगे जय श्री महाकाल। श्री महाकाल गाइस देख रहे हैं भैया, अभी हमारा कुर्ता चेंज हो गया है, हमने शर्ट से टी शर्ट ले लिया महाकाल बाबा की, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि ले लेना चाहिए, ले लेते हैं क्योंकि हमारे 7:30 बजे हमारी गाड़ी है और राहुल भाई हमारे ट्राई कर रहे हैं कि भैया पहुंच जाए बहुत जल्दी से। सो फटाफट भाई भी बहुत तेज़ी में गाड़ी चला रहे हैं, भाई ने जैसे से बोला कहीं पहुँचा देंगे, तो अभी चलते हैं देखते हैं कि भाई गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, गाड़ी नहीं मिली तो लग जाएगी क्योंकि फिर कोई गाड़ी नहीं है, फिर आपको बोल बोल से जाना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं भाई ये क्या होता है, भाई जो बोला था याद है ना। तो जय महाकाल दोस्तों, आ गए रेलवे स्टेशन, जाने की तैयारी भोपाल की। राहुल भाई भी मस्त हो गए हैं, हम भी मस्त हो गए हैं, ठीक है लुक भी चेंज हो गए हैं। सो अब बस घर निकलने की तैयारी है, घर निकलते हैं कुछ रास्ते दिखाएंगे और फटाफट इसको बीच में एंड कर देंगे। धूप पड़ रही है भाई, समझ रहे हो आप बात को, तो चलते हैं देखते हैं कैसा मज़ा आया आप लोगों को। लाइक कमेंट शेयर मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका प्यार दिखाना हो तो लाइक कर देना, बाकी इस वीडियो तो हम हमारे शौक के लिए बनाते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से फिर। जय महाकाल।
जय महाकाल दोस्तों, पहुंच चुके हम लोग बेड़छा और बस अभी थोड़ी देर बाद में आने वाला है सीओ। तो सीओर पहुंच के शायद थोड़ी देर गाड़ी रुकेगी तो फिर हम लोग कुछ आपको सीन दिखाएंगे वहाँ पे। अभी तो सिर्फ हम लोग बेड़छा में है जहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी हुई है, कोई दूसरी गाड़ी निकलने वाली है। इस वजह से राहुल भाई अंदर ही है, आराम कर रहे हैं, उनको नींद आ रही है। फिर मिलते हैं, शायद श्योर में मिलेंगे या फिर डायरेक्ट भोपाल में मिलेंगे। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रहेगा, दिखेंगे जब। लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए भाई, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।